न्यूजीलैंड ने तंबाकू उद्योग पर दुनिया की सबसे कठिन कार्रवाई में से एक में युवाओं को अपने जीवन काल में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना ली है। देश का तर्क है कि धूम्रपान का सेवन खत्म करने के अन्य प्रयासों में बहुत अधिक समय लग रहा है। इस प्रस्तावित कानून के मुताबिक 14 वर्ष और उससे कम उम्र के लोग 2027 में कभी भी सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे। 50 लाख की आबादी वाले इस देश में 9 दिसंबर को नया कानून का खाका पेश किया गया। यह कानून तंबाकू के खुदरा विक्रेताओं की संख्या पर भी अंकुश लगाएगा और सभी उत्पादों में निकोटीन के स्तर में कटौती करेगा। न्यूजीलैंड की स्वास्थ्य मंत्री आयशा वेरल ने एक बयान में कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि युवा कभी धूम्रपान न करें। युवाओं के नए समूहों को धूम्रपान करने वाले तंबाकू उत्पादों को बेचने या आपूर्ति करने के लिए इसे अपराध बना देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कुछ नहीं बदलता है तो माओरी धूम्रपान की दर 5% से कम होने तक दशकों लगेंगे और यह सरकार लोगों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी आंकड़ों की माने तो वर्तमान समय में 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी न्यूजीलैंड के 11.6% लोग धूम्रपान करते हैं। यह अनुपात मूल निवासी माओरी वयस्कों में 29% तक पहुंच जाता है। 2022 के अंत तक इसे कानून बनाने के उद्देश्य से सरकार अगले साल जून में संसद में बिल पेश करने से पहले आने वाले महीनों में माओरी स्वास्थ्य कार्य बल के साथ परामर्श करेगी। इसके बाद प्रतिबंधों को 2024 से चरणों में शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अधिकृत विक्रेताओं की संख्या में तेज कमी के साथ होगी। साल 2025 में निकोटीन की आवश्यकता कम हो जाएगी और 2027 से धूम्रपान मुक्त पीढ़ी आने लगेगी। साल 2027 में न्यूजीलैंड एक ऐसी पीढ़ी चाहता है जो सिगरेट न पीती हो। न्यूजीलैंड की तरह ही यूनाइटेड किंगडम 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित करती है, जबकि कनाडा और स्वीडन ने आबादी के 5% से भी कम को धूम्रपान के प्रसार को करने का लक्ष्य रखता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।